तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे होनिस्टा के नए वर्जन के बारे में, जो कि वर्जन 6 आ गया है। पिछले वर्जन में बहुत ही बग्स आ रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था, और फॉन्ट और टेक्स्ट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, और मेंशन रीजन में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन नए वर्जन में सब कुछ क्लियर है, सब बग्स हटा दिए है और पूरा अपडेट करके आ गया है होनिस्टा ऐप। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसमें मैं आज आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ गाइस, होनिस्टा को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो में कहीं पे भी आपको बीच में दिखा दूंगा। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को केयरफुली देखना। और हाँ गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको होनिस्टा डाउनलोड कर लेना है। होनिस्टा डाउनलोड करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली आप होनिस्टा ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग होनिस्टा ओपन करोगे, ऊपर सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद थीम एंड यूआई के ऑप्शन पे चले जाना है। थीम एंड यूआई के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली इमोजी के ऑप्शन पे चले जाना है। सिंपली इमोजी के ऑप्शन पे जाने के बाद ऊपर iOS 16 इमोजी पैक है, वहाँ पे सिंपली आपको टैप कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा इमोजी, उसके बाद उसको अप्लाई कर लेना है। उसके नीचे सिंपली आपको आना है ऐप फॉन्ट, उस पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे iOS 60 इमोजी पैक, उस पर सिंपली आपको टैप करके यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग में चले जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है DEV, और यहाँ पे एक्टिव डेवलपर ऑप्शन है, वहाँ पे उसको सिंपली आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद एक बार अपना इंस्टाग्राम रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद आपको सिंपली फिर से ओपन कर लेना है। होम वाला आइकॉन है, उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और यहाँ पे गो टू डेवलपर ऑप्शन पेज है, उस पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, मेटा कन्फर्मिंग सेटिंग, उस पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद ऊपर सर्च करना है क्लिप्स वीडियो। क्लिप्स वीडियो यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे सभी ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली सभी ऑप्शन को इनेबल करके फिर से ऊपर टाइप करना है मेंशन। तो यहाँ पे जैसे ही मेंशन टाइप करोगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्टोरी मेंशन रिसर्च वीडियो, उसको सिंपली आपको इनेबल करके यहाँ से बैक आ जाना है। अब ये ऑप्शन इनेबल करोगे तो गाइस, आपका जो मेंशन रिसर्च का प्रॉब्लम था, जो कि बग्स बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, उसमें ना ही फॉन्ट और ना ही इमोजी यूज़ हो रहा था, तो अब ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपको सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपली आपको थीम एंड यूआई के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा स्टोरी फ्रंट बैकग्राउंड, उस पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। यहाँ पे आप लोग कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, मैं सेकंड वाला भी चूज कर रहा हूँ, और यहाँ से सिंपली आपको रीसेट ऐप कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे रीसेट ऐप होगा, मैं आपको सिंपली आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। तो हमने अभी जो फ्रंट के बैकग्राउंड का ऑप्शन अलाउ किया है, सिंपली मैं उसको आपको बेनिफिट समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने प्लीज सब्सक्राइबर टाइप कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी सिलेक्ट करोगे तो सिंपली बैकग्राउंड में वही आएगा, जो कि हमने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था, वही सिंपली बैकग्राउंड यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है गाइस। यहाँ से सिंपली आपको फिर से बैक आ जाना है। अब सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद प्राइवेसी के ऑप्शन पे चले जाना है। प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे इनेबल गोस्ट मोड है, उसको सिंपली आपको इनेबल करना है। तो आपका सभी नीचे का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ऐप आइकॉन पे चले जाना है। ऐप आइकॉन पे जाने के बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन हाइड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि कैलकुलेटर करोगे तो कैलकुलेटर में बदल जाएगा, म्यूजिक प्लेयर करोगे तो म्यूजिक प्लेयर में बदल जाएगा, जो कि आप कोई सा भी यहाँ से होम आइकॉन रख सकते हो। और लास्ट वाला जो आइकॉन है ट्रांसपेरेंट नो फ्रेम, तो इस पर अगर टैप करोगे तो सिंपली आपका होनिस्टा एप्लीकेशन डेस्कटॉप से गायब हो जाएगा, जो कि रेड डॉट दिखेगा, सिर्फ आपको उस पर ही टैप करना है, बिल्कुल ही हाइड हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। तो सिंपली अभी हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे इनेबल गोस्ट मोड ऑन करोगे तो किसी की भी स्टोरी आप लोग सीन करोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी स्टोरी सीन की है। सेकंड ऑप्शन है चैट गोस्ट, तो यहाँ से उसका भी ऑप्शन ऑन करोगे तो किसी की भी आप लोग चैट सीन करोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी चैट सीन की है कि नहीं की है, उसके अंदर सीन का ऑप्शन नहीं आएगा। और थर्ड नंबर पे है लाइव गोस्ट, तो किसी के भी लाइव में आप जाओगे तो सामने वाले इंसान को पता नहीं चलेगा कि आप लाइव के अंदर आए हो कि नहीं आए हो, आपने लाइव सीन किया है कि नहीं किया है। अब सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है और सिंपली आपको स्पेशल फीचर्स में चले जाना है। स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद वीडियो पोस्ट ऑटो प्ले है, उस पर सिंपली आपको ऑन कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद एडवांस ऑप्शन पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। उसके बाद ऊपर आपको सिंपली टाइप कर लेना है राउंड, तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ से फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जाना है आपको फिर से एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में फिर से आपको ऊपर टाइप करना है 60। तो
तो यहाँ पे आप लोग 60 सेकंड का स्टोरी को भी इनेबल कर सकते हो, 60 सेकंड का स्टोरी भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। फिर से आपको यहाँ से ऊपर क्लियर कर देना है और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है 90। तो यहाँ पे आप लोग 90 सेकंड का रील्स भी आप लोग पोस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है रील्स क्रिएटर के लिए ये ऑप्शन। उसके बाद फिर से आपको इसको क्लियर कर देना है सर्च हिस्ट्री को। फिर से आपको टाइप करना है इंक्रीज़। इंक्रीज़ टाइप करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको सिंपली आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी वीडियो या फोटो पोस्ट करोगे तो उसकी क्वालिटी जो कि हाई रहेगी, जो कि आपका फोटो हाई क्वालिटी में अपलोड होगा या वीडियो हाई क्वालिटी में अपलोड होगा। तो सिंपल यहाँ से बैक आ जाना है। तो आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे फीचर्स देखे होंगे। अभी हम रील्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं रील्स को स्टोरी पे यहाँ पे ऐड करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रील्स को स्टोरी पे ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आज की तरह राउंड एंडेड स्टोरी ऐड हो चुकी है, जो कि उसके कॉर्नर है बिल्कुल राउंड शेप में ऐड हो चुके हैं। अब बात करते हैं इमोजीज की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल iOS के इमोजी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं iOS के इमोजी यूज़ कर रहा हूँ। अब बात करते हैं फॉन्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप iOS के फॉन्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन रुको 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 गाइस, आपको होनिस्टा ऐप डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली क्लिक टू गो टू लिंक पे टैप कर लेना है। क्लिक टू गो टू लिंक पे टैप करने के बाद सब्सक्राइब चैनल का ऑप्शन है, वहाँ पे सिंपली टैप कर लेना है। और यहाँ से आप लोग हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद ही गेट योर लिंक का ऑप्शन आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद गेट योर लिंक का ऑप्शन है, वहाँ पे सिंपली टैप कर लेना है। जैसे ही टैप करोगे क्लिक टू योर लिंक, उस पर टैप कर लेना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपका होनिस्टा का V6 वर्जन है उसको डाउनलोड करके सिंपली आपको फाइल के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज हमें DM कर दीजिए, या तो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।